हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, एग्जाम बहुत नजदीक चला आ रहा है, अब समय बहुत कम बचा है ना, और मेरी तबीयत में उतना ही गड़बड़ी चली जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, पर आपकी क्लास एक भी दिन की मिस नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, बस नेट चलता रहे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूपीएससी ज्ञानदायिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसी तरह के आपके बीच में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक लेकर आए जो आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा, और यहां से एक प्रश्न आना तय है यूपी पीसीएस में, एक प्रश्न। तो एक प्रश्न के लिए जैसे यूपी पीसीएस बीईओ 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ जो आने वाली भर्ती है, और आपकी यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। ये आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, आप बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और सारे कार्य आपके मुताबिक होते रहे। आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैंने आप सभी के बीच में बात की थी एक बुक की, वो बुक आ चुकी है मार्केट में, जाकर फटाफट ले लें। किस दृष्टि की? करंट अफेयर टुडे जो दृष्टि की आती है, दृष्टि द विजन की एक बुक आती है, करंट अफेयर्स टुडे ना, ये जून की आ चुकी है, जून की, ठीक है ना, ये जून की है, मई की है, मई 2023 की करंट अफेयर है। और इसमें देखिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो मैं बात कर रही थी आपसे सीधे सीधे, यहीं से आपने मेरे एमसीक्यू कर लिए या क्वेश्चन कर लिए या पीवाईक्यू कर लिए, और इसके 30 से 35 पेज लास्ट में है, फटाफट उनका जाके रिवीजन कर लें भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और जिनको चाहिए यहां से देखिए दिया गया है पर्यावरण पारिस्थितिकी टारगेट प्रिंस 2023 के लिए। अगर जिन लोगों को नहीं मिल पाए या जिन लोग नहीं ले पा रहे, वो लोग कमेंट करेंगे और उनको पीडीएफ दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप पर कमेंट करने के लिए 9889506523 और 23 है। इस दृष्टि की इस करंट अफेयर मई वाली में जो पर्यावरण से संबंधित बात है उसको खा लें चबा लें एकदम, ठीक है ना। यहीं से कम 12 से 15 नंबर डायरेक्ट आपको मिल जाने वाले, डायरेक्ट मिल जाने वाले। आपने एमसीक्यू का लिया है और यहां से देखिएगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई। इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने? 50 वर्ष पूरे हो चुके। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कब हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। मोटी मोटी बात बताएंगे और यहां पर बहुत सी चीजें आपको छोड़ भी देनी है, ठीक है ना, बहुत सी चीजें आपको छोड़नी भी पड़ेंगे, ठीक है। तो कहा गया है अब कितने हो गए टाइगर रिजर्व, तो कहेंगे अब कितनी संख्या हो गई, तो 9 टाइगर रिजर्व थे, इनकी संख्या अब 54 हो गई, 54। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 54 मतलब 54 टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट बन सकता है और बनना भी चाहिए। तो 54वां टाइगर रिजर्व बना कौन सा? रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही इसीलिए लेकर आए हैं। तो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है जो आपका क्या बना है, टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है ना। टाइगर 54वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस सारे पेज को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना समय नहीं है आपके पास कि आप इतना सब कुछ पढ़ें, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो, इस सारे पेज को छोड़ सकते हो, इतना आपको याद रखना। ऊपर से कहा गया है कि परंपरागत तौर पर बाघ की 8 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 3 अब विलुप्त हो चुकी हैं। 3 क्या हो चुकी है? विलुप्त। देखिएगा दृष्टि बहुत अच्छे से सब कुछ मेंशन करके देती है। तो कैस्पियन टाइगर रिजर्व, जावा टाइगर रिजर्व और बाली टाइगर रिजर्व। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में से पाई, हो सकता है ये पूछा जाए कि भारत में से ऐसा कौन सा टाइगर है जो अब विलुप्त नहीं है, तो 3 ये विकल्प देंगे क्योंकि ये विलुप्त है, और इनमें से बाकी और दे देंगे कि कौन सा विलुप्त नहीं है। तो 4 ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन अच्छा बन सकता है क्योंकि ये विलुप्त है, 3 विलुप्त है,
एक उनमें से डाल दिया जाएगा कि कौन सा विलुप्त नहीं है। तो बंगाल टाइगर रिजर्व है, सुमात्रा टाइगर रिजर्व है, दक्षिण चीन टाइगर रिजर्व है, इंडो चीन टाइगर रिजर्व है, साइबेरिया टाइगर रिजर्व है। तो आपको पांच याद कर लेना है, या फिर आप इन तीन को याद कर लें और पांच को एक बार पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है। इतना आपको करना है। ये देखिए मई 2023 की दृष्टि की है, ठीक है ना, मैंने आपको दिखा दिया पेज नंबर 176 है, 176 आप यहां से ले भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ठीक है। आइए अगला कहा गया है, देखिएगा भारत में बाघ 18 राज्यों आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पूरी बात कही गई, मध्य अरुणाचल प्रदेश असम बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मिजोरम उड़ीसा राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जैसे यहाँ पर पंजाब नहीं है, तो किस राज्य पर टाइगर रिजर्व या भारत में बाघ नहीं पाए जाते किस राज्य में, ये भी प्रश्न आपके बीच में बन सकता है, क्योंकि राजस्थान है बट हरियाणा और पंजाब वगैरह नहीं है, ठीक है। आपका बिहार भी नहीं है, बिहार है, देखिए बिहार है, ठीक है ना। तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, 18 राज्यों पर पाए जाते हैं, वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। चलिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट इन राज्यों में राज्य सरकार के साथ समन्वय द्वारा कार्यरत है, ठीक है ना। कहा गया प्राकृतिक पर्यावास में एक बाघ की औसत आयु 8 से 15 वर्ष की होती है, जबकि मानव निर्मित पर्यावास में जैसे चिड़ियाघर में उसकी औसत आयु बढ़ा करके 16 से 20 हो जाती है, ठीक है ना। वहां पर वो खाने पीने कभी हो सकता है नहीं पाए किसी कारण, तो इसलिए बढ़ जाता है। कहा गया कार्बेट राष्ट्रीय पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर घुमा के प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रथम टाइगर रिजर्व था, तो आप कहेंगे कार्बेट राष्ट्रीय पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला अधिसूचित टाइगर रिजर्व था, ठीक है। अगला है मानस टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई है। अब इतने समय तो आप वही पढ़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी अभी दवा खा के आया है तो वही लग रहा है, कहीं पलटी ना हो जाए ना। आइए, कहा गया नागार्जुन सागर श्री शैलम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो नागार्जुन कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश। नागार्जुन श्री शैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है, दोनों पॉइंट याद रखिए। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, ठीक है। मानस सिमलीपाल व सुंदरवन ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जहां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, याद रखेंगे, ये थोड़ी सी छोटी बात है, ठीक है। आइए, कहा गया है, देखिएगा कहा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना, जो नेशनल टाइगर वही सारी बात अथॉरिटी वगैरह की है, तो कब आया, देखिए कहा गया उत्तर या पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ठीक है ना। इसका गठन बाघ संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। इसकी शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, मैंने बहुत बार बताया 1972 1973, आप एकदम रट लो भाई, पूरा दिया है इसी बुक में, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पढ़ के, ठीक है ना। इसमें संशोधन 2006 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघों की गणना करना होता है। 2018 में हुई थी, अब 2022 की आ चुकी, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को लेकर यहां पर आए हैं, ठीक है। चलिएगा, हर 4 वर्ष में की जाती है, 2018 में कितने थे, अभी 2022 की जनगणना में कितने हैं, यही बताने के लिए आपके बीच ये क्लास लेकर आए हैं। आई होप कि आप सभी लोग इन सारी बातों को जान रहे होंगे कि भारत में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या, बाघों की सर्वाधिक आबादी कहां है, तो मध्य प्रदेश। इसे बाघ राज्य या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिएगा कर्नाटक के ये वाले हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकते हैं, ये वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के कौन से हैं, ये वाले आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिएगा। देखिए महाराष्ट्र में कौन से होंगे, ये वाले होंगे। और सबको एक बार आपको एक नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, ये सारे इंपॉर्टेंट। राजस्थान के रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का कार्बेट और राजा जी
टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़ और रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चारों आपके लिए है, ठीक है। झारखंड का पलामू है, उड़ीसा का सिमलीपाल और सतकोसिया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और बुक्सा है, झारखंड का इंद्रावती, उद्दंती, अचानक मार, तिमोर है, तिमोर या इसी को पिंगला वन्य जीव अभ्यारण कहते हैं, गुरु घासी राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का नामदखा पक्के और कमलांग है, बिहार का वाल्मीकि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिजोरम का दंपा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरल का पेरियार है और पेरेमकुलम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेलंगाना का कवाल है और अमराबाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवाल है क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है कवाल तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन सागर श्री सैलम है। चलिए टाइगर रिजर्व, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167, कितनी हुई 3167 हो गई है, तो आप लिख लेंगे एकदम रट लेंगे इसको लेकर के ना, 3167 हो चुकी है। मोस्ट बातें मैंने आपको बता दी है। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 अप्रैल 1923 को, अरे 2023 को 50वें वर्ष इसके 50 क्योंकि 1973 में आया था टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट, तो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसी के आंकड़े के लिए अनुसार देश भर में देशों की संख्या कितनी, पहले थी 2967, अब इसमें केवल क्या करना है आपको 200 जोड़ देना है और कुछ नहीं, जीरो है, तो क्या होगा 7-6 और इधर 1 और इधर 3 हो जाएगा 3167, 200 बाघों की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। तो कहा गया ये बात याद रखती नहीं कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरव की बात है कि एक तरफ हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे के, आज भारत में 75% या 3/4 बाघ आबादी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 हैं जिनमें से 3167 भारत में है, कितने 3167 टोटल भारत में है और दुनिया भर में 3890 है, ठीक है, याद रखेंगे। 200 बाघों की बढ़ोतरी हुई है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 4 वर्ष में बाघों की संख्या कितनी बढ़ी, 100, 150, 200, 250, तो 200 बढ़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं हर एक पॉइंट आपको छूते हुए बता दे रही हूं। आगे कहा गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है, यह थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा और जगुआर, चीता पाए जाते हैं, यह संगठन इनका संरक्षण करेगा, इतना है बस, कोई बात नहीं है। आगे कहा गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अमृत काल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका भी विमोचन की है या लॉन्च किया है, किसने, प्रधानमंत्री जी, तो मोदी जी ने कुछ किया है तो इंपॉर्टेंट है। अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण लक्ष्य रखे गए इस पुस्तक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अमृत काल का टाइगर विजन, ठीक है। अभी देखिएगा कितने हैं, तो आप कहेंगे 2015 में इतने थे और 2020 में इतने बढ़ गए थे, 4 साल में तेंदुओं की संख्या 60% से बढ़कर हो गई है, ठीक है। तो कहा गया है भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं, और 15 में कितने थे 525, 20 में कितने हो गए, तो आप कहेंगे 675 बढ़ गए 4 साल में, ठीक है। आइए कहा गया सबसे ज्यादा, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में है 526, फिर कर्नाटक दूसरे नंबर पर, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आता है। ये देखिए संख्या दी गई 2967 2018 में थी, 2022 में 3167 है, इसको जरूर याद रखेंगे, हो सकेगा तो ये चारों पांचों कॉलम याद रखिएगा कि 2006 में कितनी थी, 10 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, 18 में कितनी थी और 22 में कितनी है, ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा भाई। देखिए अगला पॉइंट कहा गया है, देखिए अब आपके कोई काम का कोई चीज नहीं है, मैंने एक एक छान के रखा है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बस लेकर दे दिए आपको, ठीक है ना। अब देश में कुल कितने हो गए, 54 टाइगर रिजर्व हो गए जिनके अंतर्गत 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगल या 2.4 आता है, ठीक है, 2. कुल भाग का 2.4% आता है, ठीक है, याद रखिएगा, आई होप कि आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, तस्वीर इतनी ली गई थी, कितनी 3,080 तस्वीरें ली गई हैं, विशिष्ट बाघों की तस्वीरें ली गई, 2018 में इतनी ली गई थी 2697,
ठीक है ना। तो अब कितनी ली गई, 3080, थोड़ा सा वैसे आएगा नहीं ये ना, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया है। देखिए कहा गया है कि 2018 में 646 के मुकाबले शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदानों में 2022 में बाघों की संख्या 804 दर्ज हुई है। 804 पहले कितनी थी 2018 में, 646 याद रखेंगे क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा है। आइए देखते हैं, कहा गया है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कई नए क्षेत्रों में बाघ मिले, इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है। शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है, ठीक है याद रखेंगे, जिसमें बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के सुलावा वन जीव अभ्यारण्य में बाघों को ज्यादा संरक्षण की जरूरत मानी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कहां पर वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो चार तीन ऑप्शन है, एक और कुछ डाल दिया जा सकता है। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, उसका फुल फॉर्म की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल को मैसूर से की है, ठीक है मैंने पहले ही इसको बता दिया है। ठीक है, आग्रह किया है कि एशिया में अवैध शिकार व वन्य जीव से जुड़े अवैध कारोबार को रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं, इसी के तहत उसी की कि IBCA बना रहे, ठीक है ना, इसमें बात शेयर सारे बात की गई है, यही बात है आपको याद रखना होगा। आइए बात करते हैं, कागज शिवालिक पर्वतमाला व गंगा के मैदान में 804 बाघों की संख्या हुई है। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र व पूर्वी घाट में 1161 की हुई है, पश्चिमी घाट में 824 की बात कही गई है, सुंदरवन में आपके कितने 100 की बात कही गई, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला व ब्रह्मपुत्र के मैदान में 194 की बात कही गई है। ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। और है कितने टोटल, तो आप कहेंगे 3167 हैं, बार बार इसको याद कर लीजिएगा। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं बस, ठीक है ना। मध्य कितने हैं वर्तमान में, 54 है, और 54वां कौन बना है, तो आप कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का ही बना है, ठीक है उत्तर प्रदेश का ही बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। कहाँ का बना है, तो आप कहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश का ही बना है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्लास आज यहीं तक, और इनको जरूर आप देख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा, करंट अफेयर देखना बिल्कुल ना भूलें 6:30 बजे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।